श्री राम तांडव सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। श्री राम तांडव स्तोत्र संस्कृत के राम कथानक पर आधारित महाकाव्य श्री राघवेन्द्र चरितम से उद्धृत है। माना जाता है कि बिहार प्रांत के उगमा पहाड़ पर तपस्या में लीन अवस्था में श्री भागवतानंद गुरु को स्वप्न में श्री रामचंद्र जी ने शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति का उद्बोधन कराया एवं भगवान शिव ने श्री राम कथा पर आधारित ग्रंथ श्री राघवेन्द्र चरितम लिखने की प्रेरणा दी। इसमें प्रमाणिका छंद के 12 श्लोकों में राम रावण युद्ध एवं इंद्र आदि देवताओं के द्वारा भगवान श्री राम की स्तुति का वर्णन है। इस स्तोत्र की शैली और भाव वीरस है एवं युद्ध की विभीषिका से भरे हुए हैं। तो आइए इस अद्भुत राम तांडव स्तोत्र का आनंद लेते हैं। जटा कटाह युक्त मुंड क्रांत विस्मितम हरे अपांग क्रुद्ध दर्शनोपहार चूर्ण कुंतला प्रचंड वेग कारणेन पिंजल प्रतिग्रह सक्रुद्ध तांडव स्वरूप धिग्विराजते हरि। जटा समूह से युक्त विशाल मस्तक वाले श्री हरि के क्रोधित हुए लाल आंखों की तिरछी नजर से विशाल जटाओं के बिखर जाने से रौद्र मुखाकृति एवं प्रचंड वेग से आक्रमण करने के कारण विचलित होती इधर उधर भागती शत्रु सेना के मध्य तांडव स्वरूपधारी भगवान हरि शोभित हो रहे हैं। अब वो देखो महान धनुष एवं तरकश धारण करने वाले प्रभु की अग्रगामिनी एवं पार्श्वरक्षिणी महान सेना जिसमें हनुमान जामवंत सुग्रीव अंगद आदि वीर हैं। प्रचंड दानव सेना रूपी अग्नि के शमन के लिए समुद्र तुल्य जलराशि के समान नाशक हैं। ऐसे मृत्यु रूपी दैत्य सेना के भक्षक के लिए मेरा प्रणाम है। कलेवरे कसाय वास हस्त कारुकं हरे उपासनोप संगमार्थ धिग्विशाख मंडलम हृदयस्मरण दशाकृते कुचक्र चौर पातकम विदार्यते प्रचंड तांडवाकृति सराघव। शरीर में मुनियों के समान वलकल वस्त्र एवं हाथ में विशाल धनुष धारण करते हुए बाणों से शत्रु के शरीर को विदीर्ण करने की इच्छा से दोनों पैरों को फैलाकर एवं गोलाई बनाकर हृदय में रावण के द्वारा किए गए सीता हरण के घोर अपराध का चिंतन करते हुए प्रभु राघव तांडवी रूप धारण करके राक्षस गण को विदीर्ण कर रहे हैं। प्रकांड कांड कांड कर्म देहि छिद कारणम कुकूट कूट कूट कोण पात्म जाहि मर्दनम तथा गुरम 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 गुरेन दर्शयन कृपीत केश लंघ्य मीश मेक राघवम भजे। अपने तीक्ष्ण बाणों से निंदित कर्म करने वाले असुरों के शरीर को भेद देने वाले अधर्म की वृद्धि के लिए माया और असत्य का आश्रय लेने वाले प्रमत्त असुरों का मर्दन करने वाले अपने पराक्रम एवं धनुष की डोर से चातुर्य से राक्षसों को प्रतिहत करने की इच्छा से प्रचंड संहारक एवं समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार कर जाने वाले राघव को मैं भजता हूँ। सवानरान्वितं तथा प्लुतं शरीरं सजा विरोध वेद सागर मांस गुल्म काल खंडने महासिपास शक्ति दंड धार कै निसाचर परिप्लुतं पितं सवैश्च येन भूमि मंडलम। वानरों से घिरे शरीर में रक्त की धार से नहाए हुए जिनके द्वारा बहुत बड़ी शक्ति तलवार दंड पाश आदि धारण करने वाले राक्षसों के मांस चर्बी कलेजा आंत एवं टुकड़े टुकड़े हुए शवों के द्वारा संपूर्ण युद्ध भूमि ढक दी गई है। विशाल दंष्ट कुंभकर्ण मेघ राव कारके तथा ही रावण आदि कंपनाति काय जित पर सुरक्षिता मनोरमां सुवर्ण लंक नागरी निजास्त संकुलैर भेद कोट मर्द नमकिता। जिनके द्वारा विशाल दंष्ट कुंभकर्ण
मेघनाद, अहिरावण, अकंपन, अतिकाय आदि अजेय वीरों के द्वारा सुरक्षित सुंदर सोने की लंका नगरी जो अभेद्य दुर्ग थी वह भी दिव्य अस्त्रों की मार से विदीर्ण कर दी गई। प्रबुद्ध बुद्ध योग भी महर्षि सिद्ध चारण विदेह जाप यह सदा नतोस्त तोच स्वस्थ भी पुलस्त नंदनात्म जस्य मुंडरुन छेदनम सुरार यूथ भेदनम विलोक यामि सांप्रतम। प्रबुद्ध प्रज्ञा वाले योगी महर्षि सिद्ध चारण आदि जिन सीतापति को सदा प्रणाम करते हैं सुंदर मंगलायतन स्तुतियों के द्वारा प्रशंसा करते हैं उनके द्वारा आज मैं पुलस्त नंदन विश्वा के पुत्र रावण के मस्तक और धड़ को अलग किया जाता एवं सेना का घोर संहार होता देख रहा हूँ। कराल काल रूपिणम महोग्रचाप धारिणम कुमोहग्रस्त मर्कटाक्ष वल्ल प्राण कारणम विभीषणादि भी सदा भीषण विचित्रकम भजामि चित्वरम तथोर मिलापते प्रियागजम। कराल मृत्यु रूपी महान उग्र धनुष धारण करने वाले मोहग्रस्त बंदर भालुओं को अपनी शरण में लेने वाले शत्रु पक्ष को नष्ट करने के लिए नीति और योजनाओं पर विभीषण आदि के साथ विचार विमर्श करने में मग्न अजेय पराक्रम उर्मिलापति लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रामचंद्र का मैं भजन करता हूँ। इतस्ततः मुहुर्मुहु परिभ्रमन्त कौन्तिका अनुपलव प्रवाह प्रासिकाश्च वैजयन्तिका निधि प्रभाकरस्य वंश कीर्तिनोपदानताम् अभिक्रमेण राघवस्य तांडवा कृते गता। इधर उधर बार बार वेग पूर्वक भागती हुई शत्रु सेना के अनुचरगण जो पताका भाले एवं तलवार धारण किए हुए हैं युद्ध में सूर्यवंश की कीर्ति रूपी रौद्र रूपधारी रामचंद्र जी के महान और असहनीय प्रभाव के कारण व्याकुलता एवं विनाश को प्राप्त हो गए। निराकृतं निरामयं तथा विशिष्टकारणं महोज्वलं अजं विभुं पुराण पुरुषं हरि निरंकुशं निजात्म भक्त जन्म मृत्यु नाशकं अधर्म मार्ग घातकं कपीश व्यूह नायकं। आकृत परिवर्तन कलेश आदि विकारों से रहित आदिकाल में सृष्टि संभूति के निमित्त महान प्रभा से युक्त अनादि सर्वपोषक प्राचीन दिव्य चेतन दुख त्राता स्वामी रहित अपने भक्त के जन्म मरण आदि दुखों के नाशक अधर्म मार्ग का संहार करने वाले वानरों की सेना के स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं। कराल पाली चक्र सूल तिष्ठ भिन्द पाल कै उठार सर्वलास धेनु केलि शल्य मुद्गर सुपुष्करेण पुष्करांच पुष्करास्त मारण सदा प्रुतम निसाचर सुपुष्करंच पुष्करम। विकराल खड़ग चक्र शूल भिन्दिपाल फरसा छोटी छुरिका तीर मुग्धर तोमर और धनुष की प्रत्यंचा से निक्षेपित वारुणास्त्र आदि की मार से राक्षसों के शव आकाश और समुद्र आदि सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। प्रपन्न भक्त रक्षकं वसुंधर आत्मजा प्रियं कपीशविन्द सेवितं समस्त दूषणापहं सुरासुराभिवन्दितं निशाचरान्ततं विभुं जगत् प्रशस्ति कारणं भजेह राममीश्वरं भजेह राममीश्वरं भजेह राममीश्वरं। अपनी शरण में आए भक्त की रक्षा करने वाले सीतापति एवं वानर सम्राटों से सेवित समस्त दुर्गुणों का नाश करने वाले इंद्रादि देवगण तथा प्रहलाद आदि असुरों के द्वारा वंदित और राक्षसों का संहार करने वाले विश्व पोषक एवं संरक्षक परमेश्वर श्री राम जी को भजिए। इस प्रकार श्री राघवेंद्र चरितम में इंद्रादि देवगणों के द्वारा किए गए राम तांडव का वर्णन संपूर्ण हुआ। बोलिए भक्तों, रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कमेंट करें जय श्री राम। और इस वीडियो और मंत्र सरोवर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।